एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, कश्मीर और अरुणाचल में G20 की बैठक पर पाकिस्तान और चीन की आपत्तियों को किया खारिज, कहा देश के हर कोने में बैठकें आयोजित करना स्वाभाविक। यूएन समेत सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों को पीएम मोदी की नसीहत, कहा 20वीं सदी के मध्य का नजरिया 21वीं सदी में कारगर नहीं, अगर बड़े बहुपक्षीय संस्थान समय के साथ नहीं बदलते तो बढ़ जाएगी छोटे क्षेत्रीय मंचों की अहमियत। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म पर दिया विवादित बयान, कहा डेंगू मलेरिया की तरह हिंदू धर्म का खात्मा जरूरी। मंडिया गठबंधन के नेताओं ने डेंगू मलेरिया के साथ सनातन धर्म की तुलना कर दी, कुचलने की बात कर दी, खत्म करने की बात कर दी। अरे जो आपके पूर्वज नहीं कर पाए, जो सोच को लेकर आए थे कि खत्म करेंगे वो नहीं कर पाए, तो आप क्या चीज हो। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बरसे अमित शाह, कहा यह हमारी संस्कृति का अपमान, वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए डीएमके और कांग्रेस ने किया हमारी संस्कृति का अपमान। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी में शामिल होने से अधीर रंजन का इनकार, अमित शाह समेत 8 लोग कमेटी में हैं शामिल। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बोला हमला, लिखा वन नेशन वन इलेक्शन का विचार, भारत और उसके सभी राज्यों पर हमला। राजस्थान के डूंगरपुर पहुंचा अमित शाह, बड़ेश्वर धाम में बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, गहलोत सरकार पर बरसे अमित शाह। सांप्रदायिक तनाव की आग में दंगे कराने का काम ये अशोक गहलोत ने किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शुरू किया इलेक्शन कैंपेन, चित्रकूट में जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा को दिखाई हरी झंडी, पूर्व की कमलनाथ सरकार पर बोला करारा हमला। कमलनाथ ने आवास योजना की लिस्ट दिल्ली पहुंचने ही नहीं दी थी, उसके बावजूद भी पिछले 3 साल में शिवराज सिंह ने मेहनत करके मध्य प्रदेश को आवास योजना में नंबर 1 पर पहुंचा दिया है। चांद पर चहलकदमी कर रहे प्रज्ञान रोवर ने पूरा किया अपना मिशन, चांद पर 100 मीटर चलकर लगाई सेंचुरी, प्रज्ञान का स्लिप मोड हुआ एक्टिव, अब चांद पर 22 सितंबर को होने वाले सूर्योदय का इंतजार, सूरज की रोशनी मिलने पर फिर काम कर सकता है रोवर। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल।